आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज। महाराष्ट्र की इस सीट पर तीन सेना आमने सामने। चाचा उद्धव ने भतीजे अमित ठाकरे के खिलाफ किसे बनाया है उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की शुरुआत कर दी है। बुधवार को शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी है। आदित्य वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। सेंट्रल मुंबई के माहिम सीट से अमित ठाकरे चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस सीट पर तीन सेनाओं की लड़ाई होने वाली है। इस सीट पर शिवसेना, शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सदा सरवणकर को माहिम से अमित ठाकरे के खिलाफ उतारा है। यानी अब दादर माहिम निर्वाचन क्षेत्र में सदा सरवणकर बनाम अमित ठाकरे बनाम महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। सीट बंटवारे पर बन गई बात। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी दल में काफी खींचतान हो रही है। हालांकि आखिरकार विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बन गई। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल एनसीपी, शरद पवार गुट, उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान किया। तीनों दल 85-85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बताया कि एमवीए में शामिल तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव गुट की शिवसेना 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 18 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी सहित अपने गठबंधन दलों से बात करेंगे और कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। बची 15 सीटों पर बाद में फैसला किया जाएगा। बारामती सीट से लड़ेंगे अजीत पवार। एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 38 नाम शामिल हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का नाम भी है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार बारामती से, छगन भुजबल येओला से और दिलीप वासले पाटिल अम्बेय गांव से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री राजकुमार बड़ोले, जो पहले भाजपा में थे, उनको अर्जुनी मोरगांव से टिकट दिया गया है।